Day 4। तो जी सूप के लिए मैंने काट लिए घिया। तो अभी का वेट आपने देख लिया, अब हम बनाएंगे सैंडविच। ये आया है हेजलनट फ्रैपुचिनो, और वेट लॉस जर्नल भी फिल कर लेती हूँ आगे। तब तक मैं आपके साथ ये मिनी हॉल कर देती हूँ मिनीसो का। मस्त लंच कर लिया है, अब निकलते हैं ताकि बाहर हम कुछ अटरम पटरम ना खाएं। हाय गाइस, दिस इज डे नंबर 4 ऑफ मी ट्राइंग फैट टू फैब डाइट। मेरा इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था, क्लिप था, वो डिलीट हो गया गलती से। बट मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि सुबह सुबह उठते ही मैंने वेट चेक किया था, और मैं आज थोड़ा लेट उठी थी बिकॉज रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी का वेट आपने देख लिया, Day 1 पे वेट था मेरा 90.5 अगर किसी को नहीं पता तो, और अभी Day 4 पे इट इज 89.5 kgs। सो अभी चलते हैं किचन में और अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक के आज मैं लेने वाली हूँ जिंजर लेमन और हनी वाला पानी, और उसमें मैं वार्म वाटर डालूंगी। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला हॉट वाटर मत डालो हनी के लिए, फिर बाद में मुझे भी याद आया था कि नहीं डालते, शायद कहीं पे लिखा था और आप लोगों ने भी लिखा था कमेंट में। तो अब मैं वार्म वाटर लेने वाली हूँ और नॉर्मल ऐसा हनी और ये सब डाल के वाटर बनाती हूँ फटाफट से, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो जी मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बना लिया, ये रही मेरी मॉर्निंग ड्रिंक, और अब मैं कर लेती हूँ मेरा टू डू लिस्ट प्रिपेयर, क्या क्या काम करने हैं, और वेट लॉस जर्नल भी फिल कर लेती हूँ आगे। हाय रब्बा, बहुत लेट हो गई यार उठने में, कोई बात नहीं, चलो क्या करें। Day 4 89.5 kgs। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे भी फिटनेस चैलेंज का रोज अपडेट कर रही हूँ, तो अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लो। और आज सुबह की भी रील मैंने उठते ही डाल दी है, उठी बाद में पहले मेरे को याद आया कि इंस्टा का Day 2 डालना है, तो पहले वो डाला है। तो जी सैंडविच के लिए पहले मैंने बना लिया ये फिलिंग पनीर भुर्जी, अब हम बनाएंगे सैंडविच, और सैंडविच के लिए ये ब्रेड है मल्टीग्रेन ब्रेड। मैं फटाफट से सैंडविच बना लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है दोस्तों। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और हमने बनाया है आज पनीर सैंडविच, वो थंबनेल ले लेती हूँ और साथ में मैं लेने वाली हूँ ग्रीन चटनी। धीरे धीरे खाएंगे, 32 times शुरू करके खाएंगे दोस्तों। नीचे उतरो, मैं इसको संभालती हूँ और अपना खाना खत्म करती हूँ, आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। सारा काम हो चुका है, मम्मी के साथ हेल्प करवा दी, ढेर सारे बर्तन धोए आज मैंने, तो वो सब करवाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मेरे को फुटेज ट्रांसफर पे लगानी है और मैं तब तक शार लेने चली जाऊंगी। ऑल्सो मैं कोई मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मेरा आज ब्रेकफास्ट ही काफी लेट हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा फुल हूँ अभी फिलहाल के लिए, सीधा लंच ही करेंगे। बट फिलहाल मैं जाती हूँ शार लेने, और तब तक मेरा काम हो जाएगा, मतलब फुटेज ट्रांसफर हो जाएगी, फिर एडिटिंग करने बैठेंगे। और ज़ारा जी यहाँ पे मछली हुई है, मस्त खेल रही है। हो गई हूँ रेडी, और अभी बारी है लंच की। रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर, हमें एक दो काम है, मुझे ज़ारा के लिए ट्रीट्स लेके आनी है और मम्मी को भी कुछ एक दो चीज़ें देखनी थी, तो हम अभी निकल रहे हैं। और लंच के लिए मैंने बना लिया स्प्राउट सैलेड, हेयर यू गो, और मस्त इसे एंजॉय करूंगी। इसमें मैंने टमाटो विदाउट सीड्स और क्यूकम्बर डाला है, और थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा काला नमक डाला है, और अब इसे मस्त एंजॉय करते हैं। और पानी का अपडेट ये है कि मैंने 1.5 liter अब तक पी लिया है, और इसमें मैंने ना लेमन के पील डाल दिए थे, 2 lemon के peel डाल रखे हैं पानी के अंदर, मैं रोज ही डाल देती हूँ, तो पानी भी सही उसमें चल रहा है स्पीड पे। अभी थोड़ी देर में 2 liter खत्म हो ही जाएगा, और अब एंजॉय करती हूँ अपना लंच, और आपसे मिलती हूँ अब बाहर, क्योंकि इसके बाद हम बाहर ही निकलने वाले हैं, मम्मी भी रेडी हो रही है। मस्त लंच कर लिया है, अब निकलते हैं ताकि बाहर हम कुछ अटरम पटरम ना खाएं। मम्मी को खाना होगा तो खा लेंगी, बट आई होप कि मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज मेरा पेट भर गया है। मैं पानी रिफिल कर लेती हूँ, बॉटल रिफिल कर लेती हूँ, और फिर निकल गया। आया है हेजलनट फ्रैपुचिनो फॉर मामी, और ये है कैपुचिनो फॉर मी एंड मम्मा, लैटेचिनो कैपुचिनो अलग है, लेकिन दोनों में फोटो ले, ज्यादा सुंदर लग रही है, ये वाला है ना, ये दिल थोड़ा गोला हो गया, दिल वो सन बन गया, सोलर सिस्टम बना दिया। हम आ गए हैं मामी से मिलने, बहुत दिन हो गए थे हम लोग आए नहीं थे यहाँ पर, जहाँ पे मामी का ऑफिस है, तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ बरिस्ता है तो यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं,
क्योंकि पहले हम स्पेंसर में कॉफी पीते थे बट यहाँ पे ट्रीट हो गए। अरे तो मेरी मम्मी हम भैया दूसरे मिले थे लेकिन घर पे मिले थे, ऑफिस नहीं आए बहुत टाइम से तो इसलिए यहाँ आ गए थे। और बरिस्ता में इसलिए आए क्योंकि स्पेंसर वाली उन्होंने कॉफी हटा दिया, वहाँ पे सेक्शन ही नहीं है कॉफी का, तो बरिस्ता आ गए हैं। आपको बरिस्ता ज्यादा पसंद है या स्टारबक्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। घर पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, हमारे जारा है। अपने बच्चे और पति को भी नहीं पता, हमें बाहर मजा आता है। यहाँ पर हम मस्त ऐसे आराम से बातें कर पाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? नो कमेंट। कॉफी एंजॉय करते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं। ओके गाइस, सो मामी से मिल ली है और अब मैं आ गई हूँ मिनीसो। मुझे ना एक दो चीजें लेनी थी, एक तो कैंडल लेनी है और एक डिओड्रेंट लेना है मिनीसो से। सो देखते हैं अगर यहाँ मिल जाएगा तो। मम्मी ने दरवाजा बड़ी जोर से बंद किया है। फटाफट चलते हैं मिनीसो क्योंकि यहाँ पे ना गुड़गांव में सारे आए थे, मिनीसो बंद ही होते जा रहे हैं, बस एक ही मिनीसो बचा है यहाँ पे। मुझे वो भी नहीं पता अभी है या नहीं है, बट लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आई थी तो था। अब देखते हैं अंदर जाके मॉल में। मिनीसो से शॉपिंग कर ली, लेने एक दो चीजें जाते हैं, बट मिनीसो ऐसी जगह है ना जहाँ पे एक दो चीजें ली नहीं जाती है, बहुत सारी चीजें उठ जाती है क्योंकि बहुत क्यूट स्टफ होता है। तो जो घर जो सामान लिए वो घर जाके दिखाती हूँ, फिलहाल ड्राइव करती हूँ। सारा का सामान भी ले लिया है, अब चलते हैं घर। जारा का हड्डी आया है। एक ये हड्डी और एक ये हड्डी। तो जी मैं आ गई हूँ घर वापस। अभी आपको दिखाती हूँ मैं मिनीसो से क्या लाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले काम कर लूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो मेरे को डिनर प्रिपेयर करना है। और आज मैं बना रही हूँ सूप। सो मैं सब ले आई हूँ वैसे जो मुझे सामान चाहिए था ना सूप के लिए। और आज डिनर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बाहर ही इतना टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, खाएंगे तो हम घर का ही खाना और हेल्दी खाना। तो जी सूप के लिए मैंने काट लिए हैं घिया और दो टमाटर लिए हैं और मैंने इसके बीज निकाल दिए। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है, छोटा प्याज है, बड़ा हो तो आधा प्याज लेना है। और ये मैंने ले लिया मूंग दाल दो चम्मच, इसको धो लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है दो कप पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इसको मिक्स करके मैं लगा दूंगी सीटी पे। तो ये जब तक मेरा डिनर रेडी हो रहा है तब तक मैं आपके साथ ये मिनी हॉल कर देती हूँ मिनीसो का। हियर यू गो। सबसे पहले मैंने लिए बॉडी स्प्रे। मिनीसो के परफ्यूम तो मुझे पसंद है और ये इसमें ना पहले 90 रुपीज का भी एक डिओड्रेंट आता है, मतलब कोई और होता है वो, तो पहले मैं वो यूज़ करती थी बट अब मैं थोड़ा बड़े वाला ले आई हूँ, दिस इज फॉर 150 रुपीज। नेक्स्ट मैंने लिया है ये रेजर का पैकेट, ये बॉडी रेजर है। मैंने मिनीसो के बॉडी रेजर्स कभी भी यूज़ नहीं करे हैं। फोकस, थैंक यू। ऑल्सो मैं थी अजीब सी लग रही हूँ बट चलो कोई बात नहीं। और मैंने बॉडी रेजर्स कभी भी ट्राई नहीं किए मिनीसो के, फेस रेजर करे हैं एंड क्वालिटी अच्छी होती है, तो इस बार मैं बॉडी रेजर ट्राई करूंगी। नेक्स्ट जो मैं मेन लेने गई थी वो कैंडल है, बिकॉज मुझे कैंडल्स आजकल बहुत पसंद आ रही है। पहले मैं बस बाथ एंड बॉडी वर्क की थी जो कि गिफ्टेड थी, मेरे बर्थडे पे मुझे मिली थी गिफ्ट में, एंड वो खत्म हो चुकी है अब। तो अब मैंने ये ली है मिनीसो की, दिस इज इन दी वेरियंट एप्पल स्पाइस। मुझे तो अच्छा लगा, मम्मी को भी सही लगा, तो मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं। दिस इज़ फॉर रुपीज 230, अफोर्डेबल है बिकॉज यार बाथ एंड बॉडी वर्क तो टू एक्सपेंसिव है। ट्राई कर रहे हो सेंटेड कैंडल्स तो आप मिनीसो की ट्राई कर सकते हो, दे आर गुड। नेक्स्ट मैंने की टिशू ले लिया, टिशू का पैक, दिस इज फॉर 70 रुपीज और क्यूट सा था तो मैंने ले लिया, बैग में होना चाहिए यार। अगला है मेरा ये मास्क। तो जो मेरा पहले वाला मास्क है ना जिसपे हेलो लिखा हुआ है वो मैं बहुत पहनती हूँ और वो मैं मिनीसो से ही लाई थी, तो मुझे बहुत टाइम बाद मिनीसो पे ऐसे फंकी से मास्क दोबारा दिखा तो मैंने ले लिया। खोल के देखते कैसा है बिकॉज मैंने खोल के ट्राई नहीं किया है। इसके ऊपर पता नहीं क्या ही लिखा है,
स्लो डाउन हेलो वे नाइस ओके ओके द क्वालिटी इज गुड कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा और पूरा फेस भी कवर हो रहा है सो नाइस आई लाइक इट और ये मास्क है 150 रुपीज का बस यही थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने मिनीसो से और हाँ मैंने स्पेंसर से एक मग भी लिया है फॉर माय ग्रीन टी या जो भी लेती हूँ ना आजकल क्योंकि मैं ड्रिंक्स तो ले रही हूँ तो मैं इसमें ले लिया करूंगी और मुझे मग्स वैसे भी पसंद है यार और ये 85 रुपीज का था तो मैंने ले लिया दैट्स इट फॉर द मिनी हॉल अब चलती हूँ किचन में और कपड़े पहले चेंज कर लेती हूँ उसके बाद डिनर करेंगे फिर सारों को वॉक पे ले जाएंगे और खुद भी थोड़ी वॉक कर लेंगे रेडी इसको टेस्ट करते हैं आई हैव नो आइडिया कैसा बना है मेरा फर्स्ट टाइम है ये ट्राई करने का मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है नाइस मैंने नमक ना बहुत ही कम डाला है तो इसलिए मुझे बस नमक कम लग रहा है बट मैंने डाला ही कम है वैसे तो सुमन मैम ने बोला कि डालो ही मत रात को नमक बट मुझसे बिल्कुल वैसे खाया नहीं जाएगा तो एक टेस्ट बिल्डअप हो जाए इसलिए मैं बिल्कुल चिन्नू सा नमक डाल दिया है ऑल्सो अभी सूप पी ही रही हूँ तो एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मुझे किसी का कॉमेंट आया था मैं यहाँ पे शो कर दूंगी कि उन्होंने बोला कि क्या हम नॉर वाला सूप ले सकते हैं रात को सो द आंसर इज नो क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं ना सूप उसमें काफी ज्यादा सॉल्ट और वो प्रिजर्वेटिव ये सब होते हैं तो इट्स बेटर कि आप घर पे ही बनाओ और पता नहीं उसमें पैकेट में क्या क्या डाला होगा यार आपको भी नहीं पता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा एंड टू बी ऑनेस्ट पता है नहीं टाइम लगता लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सूप नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में इतने लोग सूप नहीं पीते हैं लाइक मेरी मम्मी मेरे पापा मैं हम लोग नहीं पीते इतना सूप अभी बाहर जाते हैं तो पापा ऑर्डर कर लेते हैं अपने लिए बट अब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में से स्टार्ट किया बनाना एंड सही बताओ तो इतना ईजी है लाइक आज जो मैंने सूप बनाया है जस्ट आपको चीजें चॉप करनी है और कुकर में डाल देनी है सीटी लगानी है और उसको ब्लेंड करके पी लेना दैट्स इट इट्स मतलब कुछ तड़का भी नहीं लगाना कुछ नहीं करना सो इट्स वेरी वेरी इजी कोई इजी सूप ले लो जो आपको लगता है कि आप जल्दी बना सकते हो और अगर रोज सूप नहीं पी सकते तो कुछ और लाइक ऑल्टरनेट लाइक हफ्ते में 3-4 दिन पी लो सूप जैसे भी करो लेकिन नॉर का सूप मत पीना ऐसे पैकेज वाला जो होता है वो उसको पीने का कोई फायदा नहीं है और उसमें सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा ही होगा आई गेस तो उसकी वजह से ब्लोटिंग और वो वाटर रिटेंशन भी काफ़ी ज़्यादा कर देगा तो इससे तो अच्छा है कि आप मत ही पियो फिर सूप नॉर वाले से तो अच्छा बट आई विल सजेस्ट कि घर पे बना के पियोगे तो बेटर है मतलब बेटर क्या है बेस्ट है अब मैं आराम से अपना सूप एंजॉय करती हूँ और आराम से पीती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद नाइट ड्रिंक ले आई हूँ कपड़े वपड़े चेंज कर लिए अब मैं बस सोने वाली हूँ नाइट ड्रिंक के लिए आज मैंने ग्रीन टी ले ली है जो मेरे पास कैमोमाइल वाली ग्रीन टी रखी हुई थी वही मैंने बना ली है बिकॉज वो भी खत्म करनी है तो मैंने इसलिए सोचा वो पी लेती हूँ आज और अभी मैं बैठ के अपना कल का मील लिखूंगी कि मुझे कल क्या क्या खाना है थोड़ी देर वो करूंगी और हाँ मुझे एक और बात करनी थी आप लोगों से कि कई बार मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि आप बनाना क्यों खाते हो पनीर पराठा क्यों खाते हो एक्चुअली गॉट अ कॉमेंट टुडे तो मेरे को वो तब रियलाइज हुआ कि शायद मैं ये चीज एड्रेस करूंगी तो बेटर रहेगा तो पहले प्रीवियसली आई लॉस्ट 20 kgs विद द हेल्प ऑफ रुजुता दिवेकर डाइट प्लान लाइक नॉट एंटायरली 20 kgs बस बट काफी ज्यादा मैंने वेट लॉस किया था इंच लॉस किया था विद द हेल्प ऑफ रुजुता दिवेकर डाइट प्लान और वो मैंने घर का खाना खाते खाते किया था मैंने सब खाया उसमें पनीर पराठा देसी घी बनाना एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो भी घर पे बनता था राजमा चावल राइस वाइट राइस दैट टू तो जो भी बनता था मैं वही खाती थी अभी क्या हुआ है ना अभी मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा वियर्ड हो रखी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कम आई है और नी पेन की वजह से मेडिसिन वगैरह काफ़ी हो गई थी बीच में तो उस चक्कर में मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे रिस्ट्रिक्ट डाइट एक लेनी चाहिए दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करती हूँ बिंज ईटिंग करती हूँ और ये साल काफ़ी फ्रंट पे ना लाइक इमोशनल फ्रंट पे मेरे लिए इतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं गया है और आई एम ग्रेटफुल फॉर द ईयर बट ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको एकदम हिट कर जाती हैं तो फिजिकली मोर देन फिजिकली मेंटली मेरा जो स्टेबिलिटी है वो हिल जाती है और तब मैं ना बिंज ईटिंग करने लग जाती हूँ तो उस वजह से मुझे लगा कि मेरे को एक थोड़ा ऐसी डाइट करनी चाहिए जो मैं यू नो वापस से अपने फोकस को ठीक कर पाऊँ और वापस से हेल्दी ईटिंग पर आ पाऊँ क्योंकि बीच में मैंने बहुत बिंज ईटिंग करी है और कुछ लोग कहते हैं इतने टाइम से डाइटिंग कर रही हूँ नहीं मैं इतने टाइम से डाइटिंग नहीं कर रही हूँ मैं ऑन ऑफ रहती हूँ वही तो मेन दिक्कत है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी और डाइटिंग थोड़े दिन करती हूँ फिर वापस से कुछ ना कुछ होते तो बिंज ईटिंग करने लग जाती हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि हमेशा डाइटिंग ही करती रहती हूँ और एक और चीज़ कि मुझे इस लगे मेरी टी शर्ट कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रही है आज कैमरा में बट चलो ठीक है कमिंग बैक ऑन द टॉपिक कि आप लोग घर का खाना खाते हुए नॉर्मल फूड बस पोर्शन कंट्रोल करके भी ना अपना काफ़ी वेट लॉस कर सकते हो इट्स जस्ट कि मेरे को अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट डाइट करनी थी इसलिए मैं ये कर रही हूँ
और अगर आप लोग नॉर्मल घर का खाना खाओगे, वर्कआउट करोगे, पानी अच्छा लोगे और स्लीप पूरी करोगे तो आपका भी वेट लॉस और फैट लॉस इजीली हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पनीर पराठा या फिर बनाना खाओगे तो वेट गेन होता है। हर एक चीज़ का ना पोर्शन देखकर खाओ और हर एक चीज़ को टाइमली खाओ। लाइक ऐसा नहीं है कि भाई बनाना जब मन किया तब खा लिया। एम्प्टी स्टमक तो वैसे भी बनाना बहुत अच्छा होता है। और पनीर पराठा वैसे ही नॉर्मल बना लो यार, ऊपर से थोड़ा सा देसी ही लगा लो। मैं कभी भी ऐसे ऑयली खाना नहीं खा रही होती कि ऑयली मतलब पूरा ऐसे ऑयल में लपेट के पनीर पराठा बना रही हूँ, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट कि ऊपर मैं देसी घी डाल देती हूँ। तो मुझे ये चीज़ एड्रेस करनी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर अभी भी कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं कल आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँगी। और यार मुझे कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, क्या हो गया एकदम से। बट चलो ठीक है, मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी कल विद डे नंबर 5। और जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।